राजधानी रांची में बड़े ही धूमधाम से सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। पहले सुबह से ही रांची में सरहुल को लेकर चल पहल काफी तेज है। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एक अलग ही अंदाज में दिखे। वहां आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुंचकर मांदर की थाप पर झूमे और लोगों को भी झूमाया। साथ ही उन्होंने सभी को सरहुल की शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सरहुल की पूजा की, फिर सखुआ पौधे को परिसर में लगाया। इस दौरान सीएम ने यह घोषणा की है कि जल्द ही आदिवासी बॉयज हॉस्टल का कायाकल्प होगा, इसकी तैयारी हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 500 बेड का नया हॉस्टल बनाया जाएगा, साथ ही महिलाओं के लिए भी हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इस आदिवासी बॉयज हॉस्टल का परिसर का इतिहास काफी पुराना है, इससे हमारी आदिवासी संस्कृति जुड़ी हुई है। बड़े लंबे अरसे से सरहुल महोत्सव में हम सब लोग एकत्रित होते हैं और चूंकि ये हम लोग का प्रांगण आदिवासी समाज का एक प्रतीक के रूप में भी इसको हम देख रहे हैं और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को कहा है कि आदिवासी हॉस्टल का एक नया और भव्य तरीके से यहां पर इस हॉस्टल का कायाकल्प होना है, इसको लेकर के कार्य योजना बन के तैयार हो गई, उसकी स्वीकृति भी हो गई है। यहाँ पर 500 बच्चों को हमारे नौजवान जो बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए भव्य मल्टी स्टोरेज छात्रावास बनेगा और महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी खूबसूरत भव्य मल्टी स्टोरेज हॉस्टल का भी निर्माण हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आदिवासी हॉस्टल जहाँ महिला साइंस कॉलेज है वहाँ, और जो हमारे राज्य में शहर के अंदर जो महिला कॉलेज है इसका भी, क्योंकि इतना घनी आबादी के बीच में ये महिला कॉलेज है उसका भी बड़े पैमाने पर कार्य योजना बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।